चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव व जनपद के नोडल अधिकारी संजय आर भूस रेड्डी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में स्थापित विभिन्न विभागों के काउंटरों का विधिवत निरीक्षण किया और पंजिकाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना महामारी से निजात के लिए शासन प्रशासन के साथ सभी को मिलकर कार्य करना होगा और जनता को इसमें आगे बढ़कर सहयोग देना होगा, क्योंकि किसी भी सफलता में जन सहयोग परम आवश्यक होता है। उन्होंने जनमानस से अपील किया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। ये अपने तथा परिवार एवं समाज के हित में आवश्यक है। नोडल अधिकारी ने प्राइवेट नर्सिंग होमों को निर्देश दिए कि एंटीजन किट्स से निःशुल्क टेस्टिंग की जानी है। यदि इसके विपरीत कहीं सशुल्क टेस्टिंग संज्ञान में आई तो अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो और मास्क सभी को पहनना आवश्यक हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होमों में कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए नर्सिंग होमों की रैंडम चेकिंग की जाए तथा सभी प्राइवेट नर्सिंग होमों के में कम से कम 2 बेड आरक्षित होने चाहिए ताकि कोविड मरीज को शिफ्ट किया जा सके। इसके पश्चात नोडल अधिकारी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सीएचसी पीएचसी प्रभारियों से वार्ता कर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश दिए कि सभी सीएचसी पीएचसी पर कोरोना मरीजों की टेस्टिंग की जाए। होम क्वारंटीन एक्टिव मरीजों से रैपिड रिस्पांस टीम नियमित संपर्क बनाए रखे और उनसे प्रतिदिन कॉलिंग की जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी केवीएन पांडेयन ने इस महामारी से निपटने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में विधिवत जानकारी दी। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिले के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने कहा, पूरे कोविड की मैनेजमेंट में इसमें हम सब ने अपनी जिम्मेवारी से काम करना है और आप में से बहुत लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं। वो ऑलरेडी कमिश्नर साहब सब डिस्कस कर रहे हैं कि ये देखिए ये एमओसी को सब क्लियर है, इस तरह से बाकी सब लोग भी इंटरेक्शन से सीखिए और हमें इसको बेहतर बनाना है। गोरखपुर में डेथ रेट को हमें रोकना है, बढ़ने से रोकना है और कोविड से जल्दी इसको कंट्रोल करना है। हम टीम में काम करेंगे, कर लेंगे, लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव यूनिट हो, ये समझ लीजिए। इसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ तो ये सारा एडवाइस किया था, ठीक है? ठीक, थैंक यू। ये है सर हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ये टीम है सर, ये क्योंकि पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ऐसे 10 लोग लगे हैं। एम्बुलेंस के द्वारा ये आर एन आज चल गया फिजिकल था थोड़ा बता रहे, क्योंकि इसकी एज 70 ईयर्स और इसको फिर डायबिटीज भी है प्लस हाइपरटेंशन भी है। और डायबिटीज़
पूरा डिटेल का रजिस्टर दे दो, रजिस्टर दिखा देना सर। पेशेंट ने हमको फोन किया था सर, नहीं सर ये पेशेंट का नंबर है, ये मैंने रफ यूज किया है सर। हाँ सर, ये ब्रिजेश एम्बुलेंस का नंबर है, एम्बुलेंस के थ्रू भी हमने इसको चेक कराया है आधे रात तक। बाकी दो अभी पेंडिंग चल रहे हैं, इसको भी रिसीव करा देते हैं रेलवे। सर इसमें दो टीमें सर, एक टीम सर आज नहीं आया, कल आया हूँ। और कल हम लोगों ने शहर की साफ सफाई वगैरह देखी है और यथावश्यक निर्देश मैंने दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जनता से भी मैं इसमें अपील करूँगा कि महामारी सभी को मिल के काम करना होगा, इसमें केवल सरकार या जिला प्रशासन ही अपने से पूरा प्रयास कर रही है लेकिन अपने से वो नहीं पूरे महामारी पे नियंत्रण कर पाएगी। इसमें जनता को भी आगे बढ़कर सहयोग देना होगा। और ख़ास बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि इतनी सख्ती और सख्त कानून के बावजूद भी कई लोग, कल मैंने शहर में देखा कि वो लोग न सोशल दूरी बनाए रख रहे ना वो मास्क पहन रहे। तो मैं जनता से करबद्ध अपील करूँगा, बहुत विनम्रता से अपील करूँगा इसके पहले कि हम सख्ती करें और फिर हम कानून का इस्तेमाल करें और उनके ऊपर दंड आरोपित करें या उनको पुलिस विभाग के थ्रू कार्रवाई करें। मैं चाहूँगा कि वो खुद अपने दो गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। और बहुत लोगों को मैं देख रहा था अनावश्यक सड़क पर घूम रहे थे, अगर घर कोई काम नहीं है तो कृपया करके घर पर रहें और अपने परिवार और अपने इष्ट मित्र और अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्योंकि ये ऐसा महामारी है कि अगर घर में एक को भी हो जाएगा तो पूरा घर लपेटे में आएगा और फिर घर में कोई दुखद समाचार ना सुनना पड़े। इसलिए ये है कि स्वयं नियंत्रण अपने आप पे रखें। पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है, इसमें किसी के पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है कि पर्ची पर लिख दे। जैसे जैसे स्थिति उभरेगी उसके हिसाब से यथावश्यक निर्णय शासन स्तर से अगर कोई निर्देश आएंगे वो, या जिला प्रशासन अपने स्तर से निर्णय लेगा। और यहाँ पे जिला प्रशासन अपने आप में निर्णय लेने के लिए सक्षम है।